ख्याल से महोत्सव होता है, प्रजातंत्र का, लोकतंत्र का महोत्सव होता है, इसमें सबको भाग लेना चाहिए। वोटिंग हमारे लिए एक भारत का सबसे बड़ा पर्व है और देश के भविष्य के लिए ये आपका ड्यूटी है। एंड बस आज यही है कि सब लोग आए वोट करें। महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों के लिए आज मतदान हो रहा है। इस बार चुनावी रण में अपनी किस्मत आजमाने के लिए 4140 उम्मीदवार उतरे हैं, जिसका फैसला जनता वोटिंग से करेगी। सुबह 7 बजे से शुरू हुई वोटिंग में आम जनता से लेकर नेता और बॉलीवुड सेलेब्स भी सुबह सुबह पोलिंग बूथ पर पहुंचे। वहां उन सितारों को स्पॉट किया गया और सबकी नजर अक्षय कुमार पर ही अटकी रही। देश में एक बार फिर से चुनावी माहौल है। लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। महाराष्ट्र के अलावा झारखंड में भी वोटिंग हो रही है। लोग अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट डाल रहे हैं। ऐसे में मुंबई में भी पोलिंग बूथ पर सितारों को देखा गया। ब्लैक शर्ट और ग्रे पैंट में अक्षय ने सबसे पहले वोट डाला। उन्होंने स्याही लगी उंगली भी कैमरे पर दिखाई। वहीं हेमा मालिनी, तुषार, अनुपम खेर ने भी मतदान कर जनता को संदेश दिया। बहुत अच्छा है, एक तो वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड इट इज, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही अनुशासन से और बहुत ही पोलाइटली जितने भी अंदर ऑफिशियल्स हैं, वेरी एंड दे आर नॉट ओनली पोलाइट बिकॉज आई एम ए नोन फेस बट टू एवरीबडी ओल्ड यंग। ख्याल से महोत्सव होता है, प्रजातंत्र का, लोकतंत्र का महोत्सव होता है, इसमें सबको भाग लेना चाहिए। इससे बड़ा एक आजाद देश में इससे बड़ा महोत्सव और किसी चीज का नहीं होता है। आज बहुत ही शुभ दिन है फिर से वोटिंग का। वोटिंग हमारे लिए एक भारत का सबसे बड़ा पर्व है। क्यों है पर्व? क्योंकि हर भारतीय को वोट देने का एक गर्व है। ये एक ऐसा त्योहार है इस पृथ्वी पर, यदि हर भारतीय ये समझ ले बस, तो जितने भी दुख हैं, जितनी भी बुराइयां हैं इस धरती पर, समाज में, मनुष्य में, वो एक आपकी वोट से, आपकी वोट की चोट पता नहीं है कितने लोगों को ठीक कर सकती है। ये मैं खुद यहाँ पर वोट देने के लिए आया हूँ। हालांकि मुझे लोगों ने कहा भी था कि हम आपसे ले लेंगे, लेकिन मैं खुद आकर, मेरा बनता था हक, मैं आके खुद तरीके से वोट। वेरी इम्पोर्टेंट बिकॉज वी कैनॉट सिट इन क्रिब एंड कम्प्लेन इफ यू नॉट वोटेड। Exactly. I feel like we as citizens, that's our responsibility and we can't be saying कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, अगर हम लोग घर से निकल के वोट नहीं कर सकते हैं तो बी यू नो टू foresee our future in respect of that we should all vote. How you think voter apathy can be addressed? Sorry, what voter apathy? The people were not coming out to vote. Youngsters especially. I think आप लोग जितना I think it's through your medium and our medium. Yeah. You know जितना बोल सकते हैं. मैंने यंगिस्तान में भी यही बोला था कि वोट करना बहुत जरूरी है, ये आपका हक है, ये आपका अधिकार है। से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब लोग आकर वोट देने के लिए आइए और देश के भविष्य के लिए ये आपका ड्यूटी है वोट देना। मैम आप जरूर आइए और वोट दीजिए। आपका संबंध यूपी से भी है, यूपी से एक नारा इस बार चुनाव में बहुत चला है, बटेंगे तो कटेंगे, इसको लेकर आपको लग रहा है? मैं सिर्फ यहाँ पर अपील करने के लिए आई हूँ, लोगों से कहने के लिए कि वोट देना कितना जरूरी है, ताकि आप अपना जो जो भी आप चाहते हैं लेटर ऑन इन लाइफ, आपको इस महाराष्ट्र से, मुंबई से जो चाहिए आप ले सकते हैं। अगर आप वोट देंगे तो आपका भी पूरा ये मिलता है। एंड बस आज यही है कि सब लोग आए वोट करें, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप सुबह सबसे पहले पहुंचे हैं, आपसे पहले भी लोग पहुंचे थे, अर्ली आकर अपनी जिम्मेदारी निभाना कितना इम्पोर्टेंट है सर? आप भी तो आ गए थे, आप तो मुझसे पहले आ गए।